Hello dear learners, welcome back to ScienceWise once again. Today in this video we are going to start up with the book exercise of chapter number 8, that is Getting to Know Plants. इसकी हम book exercise बेटा अभी सॉल्व करने वाले हैं. पहली exercise है Get Ready Exercise. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको एक ये हिंट्स दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है. आपको ये हिंट्स पढ़ने के बाद लिखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. हु एम आई, सॉल्व द फॉलोइंग पजल एंड राइट द आंसर्स फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. फर्स्ट, आई हैव अ वीक स्टेम, माई लीव्स आर मॉडिफाइड इंटू टेंट्रिकल्स to provide support and help me to stand upright. क्या दिया है कि मेरा जो stem है वो weak है और मेरी leaves जो है वो modified हो गई है tendrils में, जो मुझे support provide करती है ताकि मैं upright, बिल्कुल सीधा खड़ा रहूं. तो ये क्या है, कौन सा plant या क्या, इसको आपको identify करना है. यहाँ पे आप देख लीजिए help box में, तो इसका answer क्या होगा बेटा, a grave. Second, honey bee and birds visit this part of mine to collect sweet nectar. क्या बोल रहे हैं कि honey bee और जो bird है वो मेरे पास आती है, क्यों, ताकि वो sweet nectar collect कर पाए. तो nectar कहाँ present होता है, flower में, ठीक है, flower में. Then third, due to scarcity of water, I store water in my stem. पानी की अगर कमी रहती है तो मैं पानी को कहाँ स्टोर कर लेता हूँ, स्टेम में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन है वो, ग्रेप्स. फोर्थ, सीड आर एनक्लोज्ड इन माय पॉड्स. सीड जो है वो एनक्लोज होती है पॉड्स में, यानी कि इस तरीके की रहती है ना मटर, तो यहाँ इसके अंदर ऐसे मटर के दाने होते हैं, राइट. तो सीड्स आर एनक्लोज्ड इन माय पॉट, तो इसका आंसर क्या होगा, पी. फाइव, आई एम मॉडिफाइड स्टेम टू स्टोर फूड. मैं एक मॉडिफाइड स्टेम हूं ताकि मेरे अंदर खाना स्टोर रहे, तो इट इज पोटैटो. प्रैक्टिस टाइम वन, मैच द फॉलोइंग. इन दिस वी नीड टू मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज आईवी, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इट इज अ क्लाइंबिंग रूट. ये क्या होती है, क्लाइंबिंग रूट. डॉडर, डॉडर इज अ पैरासाइटिक प्लांट. क्या है ये, पैरासाइटिक प्लांट. देन डहेलिया, इट इज अ वेज, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कैरेट, कैरेट is no is a stored food, right. Then banyan, banyan has a probe root. Practice time 2, give one example of the following. First, a plant with modified stem. For plants jinki modified stem hoti hai unke example dene hai. Stored food ke liye ginger, ठीक है, जिंजर स्टोर फूड है एज अ स्टेम, तो जिंजर. स्टेम से रिप्रोडक्शन किसमें होता है, पोटैटो. फिर प्रोटेक्शन के लिए रोज. देन स्टोरिंग वाटर, एलोवेरा. मेकिंग फूड, कैक्टस. देन रूट मॉडिफिकेशन फॉर, अब रूट मॉडिफाई हुई है तो उसका एग्जाम्पल. स्टोरिंग फूड, कैरेट. प्रोवाइडिंग सपोर्ट, बैनियन ट्री. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, डहेलिया. प्रैक्टिस टाइम 3, नेम द फॉलोइंग. नाउ वन वर्ड. फर्स्ट, प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन. ऐसा प्लांट जिसका रेटिकुलेट वेनेशन हो, तो वो है मैंगो. सेकेंड, वेनेशन फाउंड इन बनाना लीव. बनाना लीव में कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन. थर्ड, पार्ट ऑफ लीव थ्रू विच वाटर इज लॉस.
एक पार्ट है लीफ का जिससे वाटर का लॉस होता है, तो इट इज स्टोमेटा. फोर्थ, लीव मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट. लीव का मॉडिफिकेशन हुआ है प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, तो उस मॉडिफिकेशन को बोलेंगे टेंड्रिकल्स. फाइव, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव. ग्रीन पिगमेंट जो है लीव में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. देन प्रैक्टिस टाइम फोर, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, लीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. लीव जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. सेकेंड, अ पेडिसिल इज द स्टॉक विच जॉइन फ्लावर टू स्टेम. अब यहां बात कर रहे हैं ज्वाइन करने की, किसको, फ्लावर को स्टेम से, तो कौन ज्वाइन करता है, पेडिसिल. थर्ड, एंथर कंटेन्स फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन. एंथर में फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं या ग्रैनुअल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स. फोर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन. पॉलिनेशन है लास्ट में, तो यहाँ प्रोसेस बतानी है कि कहाँ से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है. फाइव, फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जब फिजन फ्यूजन होता है मेल और फीमेल सेल का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन. बुक एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, Which of the following plant have fibrous root? कौन सा ऐसा plant है जिसके पास fibrous root है? Grass. Second, ginger is the example of, ginger किस चीज का example है? Modified stem का. ठीक है. Third, which part of plant help conducting water? कौन सा ऐसा part है plant का जो water को conduct करता है? It is stem. Fourth, which part has modified root of टू ऑप्टेन न्यूट्रिशन. मॉडिफाइड रूट है न्यूट्रिशन को ऑप्टेन करने के लिए, सो इट इज कैरेट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव ब्लेड इज ऑल्सो नोन एज. लीव ब्लेड का दूसरा नाम क्या है, लैमिना. विच प्लांट हैव टेंड्रिकल टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग. बॉटल गॉड, लौकी. लौकी के पास टेंड्रिकल्स होते हैं. लौकी की बेल आपने देखी होगी, तो उसमें ऐसे इस तरीके से टेंड्रिकल्स होते हैं. ठीक है. विच पार्ट ऑफ प्लांट फॉर्म सीड. कौन सा पार्ट है प्लांट का जो सीड फॉर्म करता है, ओवरी. विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट. मेल पार्ट ऑफ द प्लांट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा है वो, स्टेमिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर ड्यूरिंग पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के दौरान क्या ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन्स. 10. विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम द फ्रूट. कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो फ्रूट बन जाता है, ओवरी. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, प्लांट हैव टू मेन सिस्टम. प्लांट के पास कितने मेन सिस्टम होते हैं, टू मेन सिस्टम. कौन कौन से हैं वो, एक है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम. सेकेंड, लैटरल रूट्स आर फाउंड इन रेडिश. रेडिश में कैसी रूट्स होती हैं, लैटरल. थर्ड, इन केस ऑफ फाइबरस रूट अ नंबर ऑफ थिन ब्रांचेस ऑफ फाइबर लाइक रूट अराइज फ्रॉम द स्टेम. फाइबरस रूट के केस में क्या होता है कि जो थिन ब्रांचेस होती है वहां से फाइबर लाइक रूट निकल आती है स्टेम में से. फोर्थ, स्टेम सपोर्ट्स द ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट. स्टेम जो होता है वो क्या करता है, सपोर्ट देता है किसको, ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट को और बर्ड्स को. ठीक है, जो भी प्लांट का मेन पार्ट कौन सा होता है, स्टेम. फाइव, जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन. जिंजर किस चीज का एग्जाम्पल है, स्टेम मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है. क्यों, क्योंकि वो स्टोर करता है फूड को. सिक्स, द स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द लीव आर कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पे. तो जो स्मॉल पोर्स होते हैं, जो जो कि स्टोमेटा जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लीव्स. सेवन, स्पाइन हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे वाटर लॉस होता है, और किसी प्लांट में अगर स्पाइन है, लीव्स की जगह स्पाइन है, तो वो वाटर लॉस को रोक देती है या रिड्यूस कर देती है. ठीक है.
8. In cactus, the leaves are modified into spine. Cactus का जो plant है उसमें leaves जो है वो modify हो गई है spines में. 9. During the process of pollination, pollen from anther are transferred to pollination की process के दौरान जो pollen grains है वो anther से कहाँ पे transfer होते हैं? Stigma में. After fertilization, ovary changes into. Fertilization के बाद जो आपकी ovary है वो किस में चेंज हो जाती है? Fruit में. Write T for true and F for false. Correct the false statement. First, all plants have same shape and size. सारे plants का same shape और size होता है क्या? नहीं. Second, तो second question है, herbs have woody stem. Herbs के पास woody stem होता है? नहीं होता है. Trees के पास होता है woody stem. Then third, two major part या two major system in plants are root system and fruit system. गलत. Root system and shoot system. Fourth, thorns actually are modified hard and pointed stems. Thorns जो हैं वो क्या हैं? Modified हैं hard और pointed stems में. तो ये true. Rows have parallel venation. गलत. Rows के पास reticulate venation होता है. ठीक है? Rows की जो leaves होती हैं. Sixth, the arrangement of veins on the lamina of the leaf is known as midrib. गलत. उसको हम क्या बोलते हैं? Venation बोलते हैं. Midrib की जगह यहाँ क्या आना चाहिए? Venation. तब ये sentence correct होगा. 7. The process of releasing water vapor into atmosphere through the stomata of leaf is called transpiration. True. एक ऐसी process जिससे water vapor release होते हैं atmosphere में stomata के through या लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके थ्रू, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. तो ये आपका जो पॉइंट है ये ट्रू है. 8. ब्रायोफाइलम प्लांट कैन बी ग्रोन इनटू न्यू प्लांट फ्रॉम रूट. नहीं, ब्रायोफाइलम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है. ठीक है? तो वो रूट्स से नहीं. देन नेक्स्ट इज फ्लावर्स आर the part of the plant associated with reproduction. True. Flower जो है वो plant का ऐसा part है जो कि reproduction facilitate कराता है. ठीक है? 10. Stamen are the female part of the flower bearing stigma. नहीं. Stamen जो है वो male part होता है. Give one word for each of the following. Plant with soft stem and no branches. ऐसा plant जिसकी soft stem है, no branches है, उसको हम क्या बोलेंगे? Herbs. Second, these plant have thick woody stem called trunk. इसका क्या answer होगा बेटे? Tree. Third, the space between two node in the stem. Space between, एक ऐसी space जो कि दो node के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? Internode. A stalk-like structure that attach leaf and the stem. एक stalk के जैसा structure है जो कि leaf और stem को attach करके रखता है, उसको बोलते हैं petiole. A flat green part of the leaf. Flat green part है leaf का, उसको क्या बोलेंगे? Lamina. Sixth, leaf contain green pigment. Leaf क्या contain करती है? Green color का एक pigment है जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफिल. 7. स्टॉक ऑफ द फ्लावर विच जॉइन टू द स्टेम. जो फ्लावर की स्टॉक होती है जिससे फ्लावर स्टेम से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पेडिसिल. 8. दिस ग्रो इनटू न्यू प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन. सीड, सीड जो है वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है अगर कंडीशन सुटेबल मिल जाए तो. Match the following. Column A to column B. First, carrot. Carrot का जो plant है वो किसका example है? Example of tap root. Second, cactus का जो plant है वो क्या है? Stem perform the role of leaf. Stem जो है वो leaf का part play करता है. Dodder जो है वो a parasitic plant, एक parasitic
प्लांट है। पेटल्स, पेटल्स क्या है? ब्राइट कलर रहता है पेटल्स का और इनमें एक स्वीट स्मेल होती है, तो वो पेटल्स है। ठीक है, फ्रूट, राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या होता है? पकी हुई ओवरी। राइपेंड का मतलब पका हुआ है ना। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मॉडिफाइड रूट, स्टेम और लीव। इनको हमको क्लासिफाई करना है किसमें? रूट, स्टेम और लीव में। तो पहला क्या है? कैक्टस। कैक्टस क्या है? मॉडिफाइड लीव है। देन पोटैटो, मॉडिफाइड स्टेम। अनियन, इट इज ऑल्सो मॉडिफाइड स्टेम। कैरेट, मॉडिफाइड रूट। देन स्पिनिच, स्पिनिच इज मॉडिफाइड लीव। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। इडेबल रूट का दो एग्जाम्पल दीजिए। इडेबल मतलब जो हम खा सकते हैं, ऐसी रूट्स, तो कैरेट और रेडिश। देन इडेबल स्टेम, ऐसे स्टेम जिनको हम खा सकते हैं, दैट इज पोटैटो एंड जिंजर। इडेबल लीव्स, स्पिनिच एंड कैबेज। फ्लावर विथ स्वीट स्मेल, ऐसे फ्लावर जिनकी स्मेल प्लीजेंट है, स्वीट है, वो कौन से हैं? रोज और जैस्मिन। प्लांट विथ टैप रूट, कैरेट एंड टर्निप। अब यहाँ पे फन एक्टिविटी दी है आपको, एटलीस्ट एक वर्ड सर्च करने हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं, और ये वर्ड आपको ऊपर मिल जाएंगे, नीचे मिल जाएंगे, डायगोनली फॉरवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर बैकवर्ड मिलेंगे। तो पहला वर्ड यहाँ पे दिख रहा है पिटियोल, देखो पिटियोल दिखा, कलर चेंज कर लेते हैं फिर और अच्छे से दिखेगा, ग्रीन कलर से। ये है कार्पल, ये दिख रहा है कार्पल। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है? लैमिना, ये है लैमिना। फिर ये है स्टिग्मा, कितने वर्ड हो गए? फोर। ये देखो ये पेडिसिल, फिर ये क्या हो गया? स्टेमिन। यहां देखो वेनेशन, फिर स्टोमेटा, ये दिख रहा है स्टोमेटा। तो यहां पे हो गए आपके एट वर्ड्स हमने ढूंढ लिए हैं। Hope so this video is very clear to you. Stay connected to ScienceWise. Thank you, dear students.